देखो गाइस, ये है साहिबाबाद का स्टेशन, जो RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है वो है ये, देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर स्टेयर जो लगाने का काम था वो लगा दी गई हैं। स्टेयर यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाबूजी चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये स्टेयर लगाने का काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि जो इस पर जो सीढ़ियाँ हैं, जो बिजली से सीढ़ियाँ चलेंगी वो ये हैं, और उनके लिए ये जगह खाली कर दी गई है। ये खाली जगह है, देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको ये टीन शेड लगा हुआ दिखाई मिलेगा। देखो ये इस तरीके से टीन शेड लगाया गया है इस पर गाइस। और मैं दिखाता हूँ आपको दूर से, कि दूर से दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा गाइस। देखो यहाँ पर ये मिस्त्री लोग काम करते हुए इस जगह पर, ये देखो यहाँ पर ये मिस्त्री काम कर रहे हैं इस साहिबाबाद के स्टेशन पर। और आपको बता दूँ जो पैकेज फर्स्ट स्टार्ट होता है वो यहीं से साहिबाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से ही स्टार्ट होता है, और ये दुहाई जाके ख़त्म हो जाता है पहला पैकेज। और पहला पैकेज है कुछ 17 किलोमीटर के लपेट में गाइस, 17 किलोमीटर का है ये लंबा चौड़ा। देखिए स्टेयर ये रखी हुई हैं जो लगाई जाएंगी, और उधर वो देखिए टीम साइड के जो पिलर हैं वो रखे हुए हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं अभी तेज़ी के साथ में। और ये जैन मार्बल होम, ये तो ख़त्म सा ही हो गया, बंद ही हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको दिखाते हैं दूर चल के, क्योंकि ये स्टेयर लगा दिए गए हैं कंक्रीट की मदद से, ये भर दिए गए हैं गाइस। और आगे का सीन आपको दिखाते हैं कि कैसा है, आपको तो दूर से चल के दिखाते हैं कि दूर से ही आपको दिखाई देगा। पर पहले यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, ये रिसेंटली में बना है 2-3 साल पहले ही गाइस। और यहाँ पर ये वसुंधरा का ये बिल्डिंग चमक रहा है, देखो कितना लंबा चौड़ा बिल्डिंग है गाइस। और कुछ इस टाइप का है ये साहिबाबाद का स्टेशन मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, कुछ ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है साहिबाबाद का। ये देखो तस्वीरें, क्योंकि मैं और दूर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को क्लियर चमके, क्योंकि क्लियर नहीं चमक पा रहा है तो मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ, तो आपको क्लियर चमकना चाहिए, ऐसा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो कुछ ऐसा है, ये है स्टेशन, ये देखो साहिबाबाद का स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा वर्क इस पर साहिबाबाद के स्टेशन पर हो चुका है गाइस, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब इसका सेकंड फ्लोर पर ही काम चल रहा है। और ये स्टेयर लगाने का काम चल रहा है, और इस पर पेंटिंग का काम है वो चल रहा है, पेंटिंग का भी काम चल रहा है साथ साथ में। और आपको बता दूँ यहाँ पर अभी लाइन नहीं बिछाई गई है, क्योंकि लाइन बिछानी बाकी रह गई है, इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं बस, इस पर अब लाइन जल्दी से जल्दी कवर कर दी जाएगी गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है साहिबाबाद RRTS का स्टेशन गाइस, जो कि हमारे सारे सराय काले खां से स्टार्ट होता है और ये जाता है मेरठ के बेगम पुल तक गाइस। तो आप लोगों को यहाँ से और गाज़ियाबाद के स्टेशन तक हम ले कर चलेंगे गाइस। तो तस्वीर आप लोग देखो, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं गाइस, तो चलिए। ये साहिबाबाद के लिए चला जाता है, ये देख सकते हैं साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइड। और यहाँ से ये वसुंधरा के लिए चला जाता है, ये देखिए वसुंधरा की साइड में ये कट गया है, और ये जाकर निकलेगा मेरठ रोड पर गाइस, जहाँ नया बस अड्डा है गाज़ियाबाद का, उसके बगल में ही है मेरठ रोड, और वहाँ पर ये जाकर निकलेगा हिंडन को क्रॉस करते हुए। दोस्तों देखो ये आ रही है साहिबाबाद की तरफ से, यानी कि आनंद विहार की तरफ से, और यहाँ से ये कर्व ले लेती है ये, और ये सामने का ये वसुंधरा, ये सारा वसुंधरा है गाइस। और वसुंधरा के बगल से ही ये निकलती हुई जा रही है, और साइड में ये इंडियन रेलवे की ये देखिए गाड़ी निकल रही है, ये देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ ऐसा नज़ारा बनाया गया है। क्योंकि मैं सोच रहा था आप लोगों को कि इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर का भी इसको अपडेट दूं आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं अपडेट दूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा कि नीचे कितने पिलर किस तरीके से लगाए गए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है नीचे, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने की वीडियो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताते तो।
एनसीईआरटीसी द्वारा बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है और हम अभी आगे की साइड में चल रहे हैं और वहाँ पर दिखाएंगे चल के कि एलिवेटेड रोड को ये क्रॉस कर रही है, उसके नीचे से निकल रही है, ऊपर से एलिवेटेड रोड है गाइस, ऊपर से एलिवेटेड रोड है, उसके नीचे ये आरआरटीएस है। तो चलिए आप वहीं के लिए चले, फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो ऐसे ही ब्लॉग तो देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरीके का ये बनाया जा रहा है और ये आरआरटीएस की लाइन है। यहाँ पर देखो कितने भारी भरकम जो बनाए गए हैं, ये लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर। देखो 1, 2, 3, 4 ट्रांसफार्मर हैं जो आरआरटीएस को चलाएंगे गाइस, क्योंकि 6 डिब्बे की ट्रेन है ये और यहाँ पर बनाए गए हैं इसमें वसुंधरा के अंदर गाइस, कि वसुंधरा का ये जंगल पड़ा हुआ है आगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग ये तस्वीरें देख लो ट्रांसफार्मर यहाँ के, कितने भारी भरकम ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ से ये लाइन जाएगी आगे के लिए और आपको दिखाता हूँ कि आगे किधर से जाएगी, ठीक है? तो वो देख लो। और देखो यहाँ पर जो लाइन बिछाई जा रही है, जो तार घेरे जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बिछाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये देखो, आपको बता दूँ कि जो ट्रैक, ये क्या नाम है, जो टीन सेट के जो वो हैं, वो देखिए टीन सेट के नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक के खंभे हैं गाइस। और देखो भारी भरकम जो लाइन बिछाई गई है, जो इस पर लोहे के जो वो लगाए गए हैं, जिसमें सरिया बिठाए गए हैं, वो प्लास्टिक के पाइप देखो इनमें आए हैं, ये बंडल हैं। कुछ नज़ारा ये है, देख सकते हैं ये। और आपको ट्रांसफार्मर, 4 ट्रांसफार्मर हैं और देखो कितने भारी भरकम ट्रांसफार्मर है भाई। ये देखो, और वो जा रही है आरआरटीएस वहाँ पर, और वहाँ पर हम चलते हैं आगे और फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ की, कुछ ऐसी हैं गाइस। देख सकते हैं तस्वीरें, यह है रेड लाइन का, ये रेड लाइन है जो कि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद पर ख़त्म हो जाती है और यहाँ से ये बनाया जा रहा है। आपको बता दूं आरआरटीएस कॉरिडोर, ये देख सकते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का बहुत बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है यहाँ पर। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना कुछ काम हो चुका है, वो अपनी आँखों से और नज़रों से आप लोग देखो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर आपको बता दूं कि ये जो साइड के विंग्स हैं, ये जो रखे हुए हैं सामने, ये वाले, ये विंग्स इनमें जोड़े जाएंगे, जो आपको छेद चमक रहे हैं एक पिलर के ऊपर, ये पिलर के ऊपर जितने छेद चमक रहे हैं, ये विंग्स वहीं पर ऐड किए जाने हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये विंग्स वहीं पर ये ऐड किए जाएंगे, उनसे ही जोड़े जाएंगे। और ये क्रेन मशीन लगी हुई है, देख सकते हैं दोनों साइड में, और इस पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है अब तक। और देख सकते हैं ये आने जाने के जाने वालों के लिए स्टेशन बनाया जाएगा, जो पिलर बना दिए गए हैं इधर, ये पिलर बना चुके हैं, ये देख सकते हैं साइड में ये जेसीबी लगी हुई है, इधर देख सकते हैं ये पिलर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए गए हैं। और इधर ये जा रही है मेरठ के लिए गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और यहाँ से ये पहले फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है, दूसरे इस रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर हाइट कुछ अच्छी देखने के लिए मिलेगी आप सभी को। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, और ये एक रेलवे लाइन को भी क्रॉस करता हुआ जा रहा है गाइस। तस्वीर आप लोग देखो, नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और आज हम चलते हैं, देखिए अब यहाँ से हम चलेंगे दोहाई के लिए। तो ये ऊपर का है पार्ट, पर अभी घुमाकर दिखाएंगे आपको उस साइड का।
उस साइड का दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि ये है पूरा नज़ारा। और इसी तरीके से मैं ऐसे ही ब्लॉक्स बदलाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। देखिए अभी तो ये पिलर बनने बाकी रह गए हैं, देख सकते हैं इनमें सेटरिंग अभी कौन कौन से लेबर तक ये कर दिए गए हैं। इन पर अभी एक फ्लोर डाला जाएगा, देख सकते हैं ये क्या फ्लोर पर है, 1, 2, 3 और 4th पर आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। ये देख सकते हैं ये पूरा जा रहा है और आपको उधर का भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। पहले इधर का देख लो आप लोग, ये है सारा नज़ारा और ये रेड लाइन जा रही है यहाँ की और ये जा रहे हैं मोहन नगर की साइड में वाहन। इधर ये मोहन नगर के लिए जा रहे हैं गाइस, मोहन नगर आनंद विहार के लिए इधर जा रहे हैं। देखिए और ये मेरठ के लिए चले जाते हैं, वो वाहन चमक रहे हैं, ये सीधा मेरठ के लिए जा रहा है डायरेक्ट। तो चलिए बस यही था नज़ारा यहाँ का और उधर से दिखाते हैं आप लोगों को, तो बने रहिए केपी संत के साथ में गाइस। देख सकते हैं मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं और ये जा रही है मेरठ रोड निकल के। ये देखिए ये पूरी मेरठ रोड जा रही है और यहाँ पर ये रेड लाइन का है, ये रेड लाइन है और ये आपकी रैपिड रेल है, देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ से मैं घुमा कर दिखा दूँ आपको, तो ये नज़ारा है और ये है सामने, ये यहाँ पर ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम क्या है, महामाया स्टेडियम। ये महामाया स्टेडियम है और इसके बगल से ही ये बना गया है कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा बनाया गया है ये। और ये आपको बता दूँ ये स्टील के गाटर हैं गाइस, स्टील के गाटर द्वारा ये बनाया गया है। तो देख सकते हैं नीचे से इनकी चौड़ाई कम है, ऊपर से ज़्यादा है, यानी कि ये 20 mm में बनाए गए हैं। ये कुछ नज़ारा है ऐसा और ये निकलती जा रही है और वहाँ पर आपको चमकेगा वो लास्ट में सिद्धार्थ विहार पे जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है उस पर बनाया गया है स्टील का ही ब्रिज, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए आप लोग केपी संत के साथ में गाइस। तस्वीरें देखो कुछ इस टाइप की हैं ये, और देखो यहाँ पर ये स्लो डाउन लगता हुआ कुछ ऐसा ही रहता है स्लो डाउन यहाँ पर आए दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, आप लोगों को रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिलेगी इस रैपिड रेल से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पर भी वर्क चल रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, कितना कुछ यहाँ पर वर्क हो चुका है, कितना कम्प्लीट हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या बनाया जा रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर गाइस। तो चलिए चलते हैं, ये पूरा नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, क्योंकि हाथ में फ़ोन पकड़ता हूँ तो ये हिलता है, तो कुछ ऐसा है सीन ये कि सामने से सूरज पड़ रहा है तो काला काला सा दिखाई दे रहा है इस वजह से गाइस, ठीक है ना। कुछ ये नज़ारा है पूरा यहाँ का, ये है। तो चलिए बस।